सभी देशवासियों को प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबका धन्यवाद भी करूँगा कि इस 3 दिन के सफर में एक एक नागरिक ने हर घर तक तिरंगा पहुंचा। हमारे जो शहीद देश की आज़ादी में हुए थे या जो शहीद देश को आज़ाद रखने में उनको नमन भी किया, याद भी किया और अमर करने का भी काम किया। हमारा प्रयास रहा, पिछले साल 15 अगस्त को मैंने एक मुहिम शुरू करी जिन्हें पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे मिलिट्री के पैरामिलिट्री के जवान शहीद हुए उनके नाम सरकारी स्कूलों पर हम मनवाने का काम करेंगे। और खुशी होती है कि अधिकतम हरियाणा के शहीदों को आज उनकी जन्म स्थली स्कूलों के ऊपर समर्पित कर वो शिक्षण संस्थान अमर करने का काम किया है। बचे जो स्कूल हैं मैं टारगेट करूँगा कि 26 जनवरी से पहले पहले हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक उस वीर सपूत का जिसने इस देश को आज़ाद रखने में शहादत दी है उसके गांव का स्कूल संस्था उसके नाम पर करने का काम। आज की मजबूती के साथ देश की अखंडता और एकता को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम जय हरियाणा सरकार ऑलरेडी स्पोर्ट्स विभाग में प्रत्येक खिलाड़ी के पद पिछले जो ओलंपिक के विजेता थे उनको तो अवार्ड मनी विद इन 5 आवर्स हमने DPT करी और मेरे हाथों उनको अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर जो वो दिए। आज के दिन प्रदेश सरकार पूरी तौर पर समर्पित है कि हमारे खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन करते हैं ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, उनको आगामी 16 तारीख को जो कि कल गुड़गांव में सम्मानित भी करें, प्रोत्साहन राशि भी उनको देने का काम करेंगे। और मैं तो उदास जाना कि हम आते देश के